गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ में चैप्टर नंबर 10 दिल्ली की शहर की आपको रीडिंग कराएंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करेंगे और रीडिंग मेरे साथ साथ करेंगे और बाद में भी रीडिंग करके देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 125 साकेत सीतापुर 15/9/2009। प्रिय मित्र शशांक, नमस्ते। तुम्हारा पत्र अभी अभी प्राप्त हुआ और उसे पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। तुमने मेरी दिल्ली यात्रा के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है। मैं इसका विस्तृत विवरण नीचे लिख रहा हूँ। विस्तृत यानी पूरा। हमारा 15 विद्यार्थियों का ग्रुप अपने अध्यापक के साथ 10 सितंबर रविवार के दिन प्रातः 5 बजे की बस से दिल्ली के लिए चल पड़ा। लगभग 12 बजे हम दिल्ली पहुंच गए। बस अड्डे से ही डीटीसी की बस पकड़कर हम सीधे बिरला मंदिर पहुंच गए थे। हमने अपनी यात्रा के दौरान वहीं ठहरने का कार्यक्रम बनाया हुआ था। सर्वप्रथम हम सबने स्नान करके भोजन किया। थोड़ा विश्राम करने के पश्चात हमने पूरे मंदिर को देखा। यह बहुत ही सुंदर बना हुआ है। दीवारों पर बने चित्र तो अत्यंत मनमोहक हैं। मनमोहक यानी मन को मोहने वाले। अनेक विदेशी यात्री भी इसे देखने आए हुए थे। मंदिर के पिछले भाग में बना उद्यान यानी बगीचा तो सचमुच दर्शनीय है। दर्शनीय यानी देखने योग्य। वहाँ हमारे इतिहास के अनेक वीरों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। दूसरे दिन हम लाल किला देखने गए। कहाँ गए? दूसरे दिन हम लाल किला देखने गए। यह बड़ा गौरवशाली किला है। इसके भीतर दीवान ए आम तथा दीवान ए खास बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ मुगल सम्राट अपनी सभाएं किया करते थे। रानियों के नहाने के लिए बना हुआ स्नानागार यानी
जिसको हम कहते हैं नहाने की जगह। स्नानागार तो कमाल का बना हुआ है, लाल किला देखने में लगभग सारा दिन लग गया। बाहर आकर हम चांदनी चौक चले गए, जो इस किले के निकट ही पड़ता है। वहाँ हमने खाना खाया और बिरला मंदिर वापस लौट आए। तो बच्चों, आज हम आपको यहीं तक रीडिंग कराएंगे, जिसको आपको अपनी बुक से होमवर्क में देते हैं हम, अपनी बुक से रीडिंग करनी है। तो आपका होमवर्क है चैप्टर नंबर 10, दिल्ली की सैर, पार्ट की आपको रीडिंग करनी है। इसको आप अच्छी तरह से पॉज करके, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसको बुक से वीडियो के द्वारा रीडिंग करेंगे। दिखाई दे रहा है ना बच्चों आपको ये चैप्टर? तो ये हम आप सब बच्चे, टुडेज होमवर्क है, सब बच्चे इस चैप्टर नंबर 10 दिल्ली की सैर की रीडिंग करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू।